केयर नेला भी ताको मुंबई कौन जीप पड़ला आप सत्ते एपर्तंत भी बुझा पड़ूनी कि आकांक्षा कौन कौन सब कर भावतु कि आपण छड़ा आकांक्षा भी अपार केयर नौकर तुम पॉलिसी और तुम टेक्निक को मुझे बेस्ट भल भाव जानी मानिनी आ मो भर जो दूरता क्रिएट होना ता कारण हो तुम आकांक्षा आकांक्षा रुह मुझे राका तुमको केबे भी मो मन भितर आनी तुम्हें केवल आ केवल मानिनी मानिनी मत जो गीतटा गाई के सुई दूसरे तुम्हें आज से गीतटा गाई के मत सुई दि एक्चुअली आकांक्षा मो रूम थी ताहले एटा गोटे साधारण कथा नहीं अरे एक कथा कहला बड़को तते तते टिके लाज मड़ुनी काहे कि ना मो एब्सेंस करे जा सब होची त माने आकांक्षा कथा को नहीं तमु के कोन कहि जिवते त माने ये सब सत्य आप यहाँ क्या कर रहे हैं? कोई है? अरे जल्दी आओ, कोई है? डॉक्टर, सिस्टर, कोई है? जल्दी आओ। Kindly arrange for my trip. Actually मैं भुवनेश्वर वापस जाना चाहती हूँ, so please kindly do the needful. आप ओडिया हैं? Oh my God, मो घर भी ओडिशा रे। जाओ आपन सहित देखाई भल लागिला। मैम एक्चुअली मु भुवनेश्वर जीबा को चाहूची, सेतपई आपन टिके मोपे नेसेसरी अरेंजमेंट कर दियंतु। हेले मैडम आपन को कोर्स कंप्लीट न होबा पर्यंत आपन पूरा पूरी सुस्थ न होबा पर्यंत आपन केमती एठो जाई परिबे ता छडा मैडम आपन एठी ट्रीटमेंट होबा पई बहुत गुडे टंका पेड करछंदी सेठी मो संसार मो जीवन सब किछि बाजी रे लागी छी मैम मो एठी केमती शांति रे ट्रीटमेंट हे परिबे फिजिकली ठीक होबा पई मेंटली स्ट्रांग होबा दरकार और जदि मनटा ही भल रही देहटा भल ही लाभ कौन देखु मैडम मुझे तो जानी आप प्रकार पर्सनल इश्यू को फेस किंतु भल ही था जदि आप सबको सल्व करदे था मो मतरे आपण ट्रिटमेंट मझीर एमती छाड़ चली जावाटा ठीक हेनि मो मन तो ये भी मानुनी अर्जुन के हेले से फोटोस और अर्जुन जा कहले कौन हैला मैडम घर लोक कथा मन पड़ू जदि आप कहे तो मुझे आपण घर लोक सहित आप कथा करदेवि आपण हजबैंड सहित कथा करदेवि कि तुम्हें एया करिवा बोली मो केबे भाबी नथिली अर्जु केबे भी भाबी नथिली जे तुम्हें एते तळ को खसी जीव बोली सेसरा तुम्हें एया कला छे मु तो भाबी थिली मो एब्सेंस रे तुम्हें घरर रेस्पोंसिबिलिटी ठीक भाबरे तुलेइबो गोटे भलो बापा घरर गोटे भलो सदस्य हि रहिबो अरे तुम्हें एमती अजब टाइप रो बिहेव करि पालो केमती अर्जु केमती आकांक्षा को हमो आम रूम में शोवा कथा तुम्हें भाभी पार केमती तुम मन को एक आसी पार केमती तुम्हें किसी ठीक कल नहीं अर्जुन तुम्हें बहुत बड़ भूल करदेल
आउ एथी पई मु तुमको केबे भी क्षमा करि परबिनी केबे भी नहे आई हेट यू अर्जुन आई हेट यू आई हेट यू आ घृणा करो मते केते इच्छा पारछ मते घृणा करो केते इच्छा पारछ मते ब्लेम करो I don't care. Come on, take one. I don't care. Hey, give me full bottle. Full bottle, order there. Wound there. कहली गोटे फुल बोतल दे दे नल भांगी देवी दे कहुच्छ अच्छा जे आपण हजबैंड फोन उठो ना ए गोटे नंबर तांकर ना आगे अलग नंबर अच्छे नहीं तांकर ए गोटे नंबर आउ नंबर नहीं ठीक अच्छे मैं आउ थर ट्राई कर आई थिंक अर्जुन एथर तो निश्चय मो फोन रिसीव करिवे सॉरी मैडम आपण हजबैंड फोन रिसीव करुनाहंती बोधे अननोन नंबर देखि कि से फोन रिसीव करुनाहंती मैम मो फोन भी चार्ज नहीं मो फोन टिके चार्ज रे बसी दियंतु तापरे मो फोन रे तांको कॉल कर देबा के मैम आपन फोन टा दियंतु ले आपण के कोड कहउछंती एटा एटा अर्जुन को नंबर त नाय हम जानि नै तांका नाम को ठीक आगरु बाहर को आस्तले एते मोर पे सोइछन ए फोन उठिया कंडीशन में नै आसल
रिलैक्स। तुम्हें मत पीच कहीं मारे तो तुम मत पचार मु मद कहीं पी आस तमें मत पचार मानी ये सब कारण हूँ तमें तम जो मु मद पी आस तमें कौन कौ ना मु मद कहीं पी आस वेरी फनी गोटे कथार नाई मान गोटे सारी टाइप रौन सीटा हाँ करी कराउ थाए मुहि मुबिनु अन्य गति नाही तमें कौन कौ जे मु कहीं पीक आस तमें भी ना मानी मु मानी नुहे अर्जुन हसैल मानी तब हसैल मत सुंदर अभिनय तुम्हें कर मानी कि सुंदर अभिनय कर तुम्हें मु गोटे कथा तुमको कहना चाहिए मते भोक कला कि दब शुण जमा पार्टी कर धीरे धीरे जाए घर लोक समस्ते उठी पड़े उठी पड़े पे मत सका गाड़ी करे कि नक मू गाड़ी शुणुच हाँ मुते खरा ना मत मत खराब ओके ठीक अच्छे तुम जमा टेंशन नियोनी जमा टेंशन नियोनी मानी तुम मो प्रश्न उत्तर दल हाँ ते खराब कहना तुम अर्जुन कौन एत खराब कहना मान कहना मुझे मुते खराब कहना मुते खराब कहना मत मुते खराब तुम अर्जुन कौन एत खराब कोना अरे कह तुम अर्जुन कौन एत खराब प्लीज कहना अर्जुन अर्जुन निजुक टे संभा प्लीज निजुक टे संभा मो निजुक संभाल जदि तुम मन भितर कि भूल बुझाणा न रख रखना कहना रखना मत के बंध कर केवल तमर ही तम केवल तमर कहना कहना मानी प्लीज कहना मुझे संभाल नेबी कहना थैंक यू वेरी मच मानी आई लव यू मानी I love you very much.
ହେଲା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, କ'ଣ ପାଇଁ ଏମିତି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍? ପ୍ଲିଜ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରନ୍ତୁ ନିଜକୁ, କ'ଣ ପାଇଁ ଏମିତି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍? କାନ୍ଦନ୍ତୁନି, କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରନ୍ତୁ ନିଜକୁ। ମୋ ଅର୍ଜୁନ କେବେ ମଦ ପିଅନ୍ତିନି, ହେଲେ ସେ ଆଜି ଆଜି ଏମିତି କେମିତି କଲେ କି ଜାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆଜିକାଲିର ପୁରୁଷମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଏମିତି ହିଁ ହୋଇଥାନ୍ତି, ସ୍ତ୍ରୀ ଟିକିଏ ପାଖରୁ ଦୂରେଇ ଗଲେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ମନମାନି ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତି। ନାଇଁ ମ୍ୟାମ୍, ମୋ ଅର୍ଜୁନ କିନ୍ତୁ ସେମିତି ନୁହନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ଅଲଗା, ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ। ସେ ନିଶ୍ଚୟ ବହୁତ ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେଟେଡ୍ ହେଇଯାଇଥିବେ, ସେ ନିଶ୍ଚୟ ମୋତେ ବହୁତ ମିସ୍ କରୁଥିବେ, ସବୁ ମୋର ହିଁ ଭୁଲ, ମୁଁ ହିଁ ଜିଦ କରିକି ଏଠି ଏଠିକି ଏକୁଟିଆ ଚାଲି ଆସିଲି, ଆଉ ମୋର ହିଁ ପାଇଁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଆଜି ଏଇ ଅବସ୍ଥା ହେଲା, ସବୁ ମୋର ହିଁ ଭୁଲ, ମୁଁ ହିଁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଏଇ ଅବସ୍ଥା ପାଇଁ ଦାୟୀ, ମୁଁ ହିଁ ଦାୟୀ, ମୁଁ ହିଁ ଦାୟୀ। ନମସ୍କାର। ଏଇଟା ଅର୍ଜୁନ ବାବୁଙ୍କ ଘର ତ? ହଁ, ତାଙ୍କରି ଘର। କ'ଣ ହେଲା? ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲଟା ଦେଇଦେବେ। ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲ ତମ ପାଖରେ କେମିତି ଆସିଲା? କଥା କହନି କି ସାର, କାଲି ରାତିରେ ଅର୍ଜୁନ ବାବୁ ଆମ ବାହାରକୁ ଆସିଥିଲେ। ଅର୍ଜୁନ ତମ ବାହାରକୁ ଯାଇଥିଲା କ'ଣ ପାଇଁ? ସାର, ଲୋକମାନେ ବାହାରୁ କାହିଁକି ଆସନ୍ତି? ତା ମାନେ ତମେ କହୁଛ ଅର୍ଜୁନ ମଦ ପିଇବାକୁ ଯାଇଥିଲା? ଆଜ୍ଞା। କେମି ଫୁଲ୍ ବଟଲ, ଫୁଲ୍ ବଟଲ ଗୋଟେ ଦେ, କହିଲି ଗୋଟେ ଫୁଲ୍ ବଟଲ ଦେ, ନହେଲେ ଭାଙ୍ଗିଦେବି। ହେଲେ ତମେ କେମିତି ଜାଣିଲ ଏଟା ଅର୍ଜୁନର ଫୋନ ବୋଲି? ମାନିନୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଫୋନ କରି କହିଥିଲେ ଏଇ ଆଡ୍ରେସରେ ଫୋନଟା ଦେଇଦେବେ। ଅର୍ଜୁନ ଏମିତି କେମିତି ଗୋଟେ କାମ କରିଥିଲା ବିଶ୍ୱାସ ହଉନି। ଅର୍ଜୁନ ପୁଣି ମଦ ନା? ସେ ତ କେବେ ପିଆ ପିଇ କରେନି, ସେ ପୁଣି କାଲି ରାତିରେ ବାହାରକୁ କାହିଁକି ଯାଇଥିଲା? ସେମିତି କିଛି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଧରଣର କାରଣ ନ ହେଇଥିଲେ ସେ ସେଠିକି ଯାଇଥାନ୍ତା କାହିଁକି? ମୋତେ ସେ କାରଣଟା ନିହାତି ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବେଟର ହବ ଅର୍ଜୁନ ସାଙ୍ଗରେ ଫେସ୍ ଟୁ ଫେସ୍ କଥା ହେଇଯିବା। ହୟୋ, କଥା କ'ଣ? ମୋତେ ଦେଖି ଏମିତି ଚମକି ପଡ଼ିଲ କ'ଣ ପାଇଁ? ସେ ପିଲା କିଏ, ସେ ଏଠିକି କାହିଁକି ଆସିଲା, ଆଉ ତମେ ତାକୁ କାହିଁକି ଟଙ୍କା ଦେଲ? ମୋତେ ସଫା ସଫା କୁହ କଥା କ'ଣ, ନହେଲେ ମୋଠୁ ଖରାପ ଆଉ କେହି ହେବେନି କହିଦେଉଛି। ହଁ, ତମେ ଯେମିତି ଭାବୁଛ ସେମିତି କିଛି ନୁହେଁ ରଙ୍ଗବତୀ। ଅର୍ଜୁନ ମୋବାଇଲ ଫୋନଟା ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା, ଏ ପିଲାଟି ତାକୁ ପାଇକି ଆଣି ମୋତେ ଦେଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ଖୁସି ହେଇ କିଛି ଟିପ୍ସ ଦେଇଦେଲି। ମୋତେ ଲାଗୁନି ତମେ ମୋତେ ସବୁ ସତ କଥା କହିଲ। ହେଇଠି ତମକୁ ମୋର ଆଣବା, କୁହ କ'ଣ ହେଇଛି? ଶୁଣ, ତମେ ଏମିତି କ'ଣ କହୁଛ? ଅର୍ଜୁନ ବାବା ବାହାରକୁ ଯାଇଥିଲେ ମଦ ପିଇବାକୁ, କିନ୍ତୁ କାହିଁକି?
ସେଇ ଚିନ୍ତା ତ ମୋତେ ବି ଘାରୁଛି ରଙ୍ଗବତୀ। ସେଇଥିପାଇଁ ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ତା ସାଙ୍ଗେ ସିଧାସଳ କଥା ହେଇଯିବି। ଆରେ ବା, ଖେଳ ତ ପୁରା ସଲିଡ୍ ଜମିବାରେ ଲାଗିଛି। ୱାଓ, ମଜା ଆସିଗଲା।